हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गाइडेंस और काउंसलिंग के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं। आपको पीछे जो है आप क्लासेस सर्च करके देखेंगे या फिर नाम डाल के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे गाइडेंस सर्विसेज की। सो गाइडेंस सर्विसेज भी स्पेसिफिकली कहाँ पे? स्कूल लेवल पे। ठीक है, ऑल्दो आप इसी चीज़ को, इसी कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपका जो है हायर लेवल की बात पूछी जा रही है। बट यूजुअली क्या कहाँ की बात पूछी जाती है जब गाइडेंस सर्विसेज की हो? अगर बीएड या एमएड आप कर रहे हैं, ठीक है, सो वहां पे आपको क्या मिलेगा? दो, एमएड में स्पेसिफिकली दो चीजें मिलेंगी। या तो आपसे चीजें पूछी जाएंगी एलिमेंट्री लेवल की या फिर पूछी जाएंगी सीनियर सेकेंडरी लेवल की। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सो गाइडेंस सर्विसेज अभी हम बात करने वाले हैं स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे यूजुअली 6 तरीके की गाइडेंस सर्विसेज की हम बात करते हैं, ऑल्दो और भी हो सकती है बट मेजरली हम स्कूल लेवल पे इन्हीं 6 तरीके की बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जब स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम की बात आती है तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, चाहे वो एजुकेशनल लेवल की हो, वोकेशनल लेवल की हो, या किसी बच्चे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हम स्कूल में देखते हैं। ठीक है, सो जो डेवलपमेंट फेज होता है बच्चों का, उस दौरान वो काफी सारी चीजें क्या करते हैं, उनको दिक्कतें या काफी सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, और वो हम स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम में सारी चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट जो है स्कूल एजुकेशन का वो माना जाता है। ठीक है जी, और ये नॉन इंस्ट्रक्शनल है नेचर में, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम बोल इंस्ट्रक्शनल यानी कि आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं या क्लियर कट डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि आपको ऐसे 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 करना है। लेकिन गाइडेंस में हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं, एक्सपर्ट्स जो है वो अपनी राय रखते हैं, बट अल्टीमेटली बच्चे को प्रो कॉन्सिक्वेंसेस सारी चीजें बता के डिसीजन जो है वो बच्चे के द्वारा ही लिया जाता है मेजर तौर पर। ठीक है, सो गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत सारी सर्विसेज आएंगी। स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम की बात करेंगे तो हम लार्जली जो है वो क्या है, 6 सर्विसेज की बात करते हैं। कौन कौन सी हैं? ओरिएंटेशन सर्विसेज हैं, काउंसलिंग है, प्यूपिल इन्वेंटरी सर्विसेज हैं, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन या प्लेसमेंट है, और फॉलो अप सर्विसेज हैं। ठीक है, हर सर्विस की कुछ अलग फीचर्स रहेंगे या अलग तरीके से जो है वो काम करेगी, तभी तो ऑब्वियसली अलग अलग इन कैटेगरीज में इनको रखा गया है। सो ये अलग अलग होंगे और इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे। अब इनका मतलब क्या होता है 6 की 6 सर्विसेज का, उनको हम देख लेते हैं। गाइडेंस सर्विसेज में हमने देखा ओरिएंटेशन सर्विस, प्यूपिल इन्वेंटरी सर्विस, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, काउंसलिंग, प्लेसमेंट एंड फॉलोअप। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है, कई बार सिर्फ जो है वो क्या क्वेश्चन आता है कि आप गाइडेंस सर्विसेज बताइए। सो उस क्वेश्चन में आप ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा थोड़ा मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपसे पूछा जाएगा कि आप फॉलो अप सर्विसेज के बारे में स्पेसिफिकली बताइए या प्लेसमेंट सर्विसेज के बारे में बताइए। मेजर तौर पे इन्हीं दो या फिर काउंसलिंग सर्विस जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। इनके बारे में अलग से अगर पूछा गया तो इनके बारे में पूछा जाता है, फॉलो अप, प्लेसमेंट और काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में। अगर मुझे लगा कि इस वीडियो के अलावा थोड़े और कॉन्टेंट की जरूरत है या आपको फॉलो अप सर्विस पे अलग से क्वेश्चन बनाने के लिए और क्या क्या चीजें ऐड अप हो सकती हैं, तो मैं स्पेसिफिकली फॉलो अप सर्विस या प्लेसमेंट सर्विस इनके ऊपर अलग से वीडियो जो है वो डाल दूंगी, अलग से क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, अभी हम इन जनरल इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला आता है ओरिएंटेशन सर्विस। सो ओरिएंटेशन सर्विस, अगर आपने ये प्रोग्राम की बात सुनी हो, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपके स्कूल या स्पेसिफिकली कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जरूर देखने को आपको मिला होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद पहले दिन जब आपकी क्लासेस लगनी शुरू नहीं होती, सो उस टाइम पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में रखा जाता है, जहां पे आपको उस स्कूल से रिलेटेड या उस कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन की कहाँ क्या चीजें हैं या क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है, सो उसके बारे में जो है वो चीजें बताई जाती हैं, यानी कि आपको ओरिएंट किया जाता है उस माहौल में ढलने के लिए। ठीक है जी, सो एक बार देख लेते हैं। टू फैमिलियराइज द स्टूडेंट्स विद न्यू सराउंडिंग्स एंड देयर बाई अडेप्ट देमसेल्व्स मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, यानी कि आपको फेमिलियर बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फेमिलियर बनाने के लिए ये सारी चीजें जो है वो की जाती हैं, ताकि आपको वहां के बारे में, वहां की चीजों के बारे में अच्छे से जो है वो आइडिया
हो जाए. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बिगिन एनी एजुकेशनल कोर्स और प्रोग्राम विद एन ओरिएंटेशन एक्टिविटी. सो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये एडवाइजेबल भी है, यानी कि बेटर रहेगा ना अगर आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि कौन. मान लो आपको यही नहीं पता, आप स्कूल में है, कॉलेज में है, कि वहां पे लाइब्रेरी भी एग्जिस्ट करती है, अलग अलग तरीके की कंप्यूटर लैब्स या कोई प्रोग्राम की लैब्स, तो बहुत सारी लैब्स भी एग्जिस्ट करती हैं. सो वो क्या है, अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाएगा जो कि हैविली एडवाइजेबल होता है, सो उससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके काम काम की क्या चीजें हैं या आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा. ओरिएंटेशन सर्विसेज आर नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक के लिए नहीं है. कई बार आपने देखा हो तो जब पेरेंट्स जो है वो जो एडमिशन करवाने जाते हैं, या कई बार पेरेंट्स ऐसे ही मिलने चले जाते हैं, सो उन पेरेंट्स को जो है वो उनको भी क्या दिखाया जाता है, स्कूल के बारे में बताया जाता है, दिखाया जाता है. सो इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट्स ओनली, आप पेरेंट्स के लिए या कम्युनिटी के लिए या कुछ लोगों के, पर्टिकुलर लोगों के लिए, उनके लिए भी ओरिएंटेशन सर्विसेज रख सकते हैं. स्पेशली स्कूल्स जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, एक पब्लिसिटी भी उनको यहाँ से मिलती है कि आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं. सो वो सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, सबको ओपनली बता रहे हैं, पेरेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं. सो वो भी क्या है, एक बेटर पॉइंट जो है वो इसमें माना जाता है. फिर आता है कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ओरिएंटेशन सर्विसेज के. सो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, एक तो आपको अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपको रूल्स रेगुलेशंस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, जो भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, सो वहां की चीजों के बारे में आपको पता चलता है. सो बेसिकली आप अवेयर होते हैं आपके आसपास के एनवायरमेंट से. Acquaint the students with the concerned staff and student body. तो students को भी आपके teachers से या बाकी staff से सबसे मिलवाने का ये एक जरिया हो सकता है. तो वो भी एक objective होता है कि students जो नए नए students आए हैं, उनको teachers के बारे में या non-administrative staff के बारे में, सबके बारे में पता चल जाए. तो आप उनको, जैसे हमने बताया ना, major तो क्या हो गया, objective कि आप aware कर रहे हैं, और awareness में फिर और छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी कि आप staff members से मिलवाने की opportunity वहां होती है, बच्चे वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे एक साथ बैठे होंगे, तो उनका क्या है, अपने अपने आइडियाज देने के लिए या व्यूज प्रेजेंट करने के लिए वहां पे क्या हो जाएगा, टाइम होगा कि वो आपस में भी इंटरेक्ट कर पाए. ठीक है, सो वो खुद टीचर से या स्टाफ से इंटरेक्ट कर सकते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट टू इंटरेक्ट गाइडेंस प्रोग्राम विद न्यू कमर्स एंड डेवलप फेवरेबल एटीट्यूड्स अमंग द स्टूडेंट्स बोथ टुवर्ड्स द स्कूल एंड स्टाफ. तो एक एटीट्यूड जो है, अच्छा एटीट्यूड उधर डेवलप होता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली ओरिएंटेशन प्रोग्राम में तो सब अच्छी अच्छी चीजें ही बताई जाएंगी ना, तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड वहां से स्कूल या स्टाफ या कॉलेज की तरफ डेवलप होता है. ठीक है जी. उसके बाद अगर हम बात करें तो दो तरीके की एक्टिविटीज जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल सकती है, यानी ओरिएंटेशन एक्टिविटी की जब हम बात करेंगे, सो उसमें आपको दो तरीके की मिलेंगी. एक होता है प्री एडमिशन ओरिएंटेशन और एक होता है पोस्ट एडमिशन ओरिएंटेशन. जो अभी तक मैं बात कर रही थी वो क्या थी, कि आपने एडमिशन ले लिया और उसके बाद जो है आपको चीजों के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें जो है वो स्कूल में एग्जिस्ट करती है, किस तरीके की एक्टिविटीज, किस तरीके के टीचर्स, तो उन सब के बारे में बताया जा रहा है, वो है आपका पोस्ट एडमिशन ओरिएंटेशन. कई बार होता है कि पेरेंट्स, अगर आपने मूवीज में या सीरियल्स में देखा हो, तो पेरेंट्स जब एडमिशन करवाने जाते हैं बच्चे का, जो कि एडमिशन हुआ नहीं होता है, वो स्कूल देखने जाते हैं, सो वहां पे उनको स्कूल का सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, बाकी सारी चीजें उनको दिखाई जाती हैं. सो वो क्या है, एक तरीके से वो प्री एडमिशन ओरिएंटेशन है, यानी एडमिशन से पहले. ठीक है, और यूजुअली ये एडमिशन सर्विसेज आपको, जो प्री एडमिशन है, वो आपको मूवीज में या टीवी सीरियल्स में देखने को शायद मिल जाए, बट ग्राउंड लेवल पे ये मिसिंग है अभी तक. हाँ, ये हमने देखा है कि पोस्ट एडमिशन ओरिएंटेशन मेजरली होती है, हमारे कॉलेजेस में भी होती थी, स्कूल्स में हो सकता है स्कूल्स में ये मिसिंग हो, क्योंकि स्कूल काफी टाइम पहले जो है मैंने पास किया था, उस टाइम पे नहीं थी ये भी. ठीक है, कि आपको पर्टिकुलरली एडमिशन के टाइम पे या बताया जाता है, हो सकता है प्रेयर टाइम पे या असेंबली में थोड़ा सा बता दिया जाए, अदरवाइज ऐसी कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन एक्टिविटी वहां होती नहीं थी, बट प्री एडमिशन तो बिल्कुल ही लैक है स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में. ठीक है, तो प्री एडमिशन, क्योंकि प्री एडमिशन के दौरान अगर आप चीजें बताने लग गए, पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस उठने लग गए, तो हो सकता है कि आपके जो है वो, जो जहां जहां आप लैक करते हैं, वो चीजें भी दिख जाए अगले वाले इंसान को, तो वो एडमिशन शायद ना करवाए. ठीक है, बट पोस्ट एडमिशन सर्विसेज जो है वो फिलहाल देखी जा रही. नेक्स्ट आता है प्यूपिल इन्वेंटरी सर्विस. प्यूपिल हम हमेशा स्टूडेंट को या बच्चे को बोलते हैं. इन्वेंटरी सर्विस एक तरीके से क्या हो गया, कि आप प्यूपिल के बारे में
चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं. सो वो क्या है प्यूपल इन्वेंटरी सर्विस, कि आपको उसके बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, फैमिली डाटा या पर्सनल जो है चीजें क्या है, या साइकोलॉजिकल डाटा, या उनका आईक्यू क्या है. तो उस तरीके की चीजें जब आप कलेक्ट करते हैं तो वो प्यूपल इन्वेंटरी सर्विस के अंदर जो है वो आती है. सो प्यूपल इन्वेंटरी सर्विस किस चीज में हेल्प करती है, डाटा को जो है रिकॉर्ड करने में और देन मेंटेन करने में, स्टूडेंट से रिलेटेड जो डाटा है. द टाइप्स ऑफ डाटा जनरली कलेक्टेड कौन कौन से टाइप का हो सकता है, पर्सनल डाटा हो सकता है, नाम, फादर्स नेम, तो वो फैमिली डाटा हो सकता है, फिर साइकोलॉजिकल डाटा हो सकता है, अचीवमेंट हो सकते हैं आपके कौन से टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, आपकी हेल्थ से रिलेटेड डाटा हो सकता है. कई बार क्या होता है स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम्स जो हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस प्रोग्राम्स हैं वो जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि वहां पे चेकअप्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं कई बार, ताकि पता चले कि बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं या कोई और दिक्कत तो उनको नहीं आ रही है. सो वो होता है ना आइडेंटिफिकेशन, कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है वो किसी भी चीज का वो बेटर रहता है, क्योंकि आप अर्ली स्टेज पे किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड और कोई इश्यू हो, सो आप उसको बेटर तरीके से डील कर पाते हैं. कई बार आइडेंटिफिकेशन में इतना लेट हो जाता है कि हम जो है उससे परमानेंटली डील नहीं कर पाते कि परमानेंटली वो चीज ठीक हो जाए. ठीक है, सो प्यूपल इन्वेंटरी सर्विसेज के दौरान ये चीजें जो है आप डाटा कलेक्ट करते हैं. सो ये एक मेजर पॉइंट आ जाता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है वो चीजों का हो सकता है. These records can be prepared by collaborative effort. किसका? Teacher का, counselor का, या career teacher का, career counselor का, अलग अलग techniques के through. तो एक collaborative approach हो सकता है इन सारी चीजों को collect करने के लिए. अब teaching, ये जो हमने बोला ना collect करनी है, तो वो testing techniques हो सकती है या non testing techniques होती है. जैसे observation अगर teacher कर रहा है बच्चे की और वो ऑब्जर्व करके वो बच्चे के बारे में कोई डाटा कलेक्ट कर रहा है, या रेटिंग स्केल्स होते हैं, सोशियोमेट्री होती है, इंटरव्यू होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ये सारे किस में जाएंगे, नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में. इसके अलावा वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या पर्सनैलिटी टेस्ट, तो इस तरीके के टेस्ट जो है वो टेस्टिंग टेक्निक्स में जाएंगे. इसमें नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में हम यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं या बच्चे से इंटरव्यू के द्वारा पूछते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ इंक्लूड. So, ये दो तरीके की टेक्निक्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. सो दीज टेस्ट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बाई काउंसलर और एनी प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सनल. सो ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं या जो ऑब्जर्वेशन, वो यूजुअली किसके द्वारा की जाती है, ट्रेन्ड प्रोफेशनल के द्वारा. सो वो वहां पे अगर ट्रेन्ड पर्सनल वहां पे कर रहा है ऑब्जर्व, सो क्योंकि वो उसी चीज में पर्टिकुलरली ट्रेन्ड है, तो वो बेटर तरीके से जो है वो रिजल्ट वहां पे निकल के आ पाएंगे. अगर आपको ध्यान हो तो हमने फिजिकल और मेंटल मेजरमेंट की बात की थी जब हम मेजरमेंट का टॉपिक कर रहे थे एक दो दिन पहले. ठीक है, सो उसमें क्या है, जब मैंने आपको बताया था कि मेंटल मेजरमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है एक तरीके से, और वहां पे क्या है, एक रेंज आपको देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी. सो वही चीज यहाँ पे है कि अगर ट्रेन प्रोफेशनल कर रहा है उस चीज को, तो वो रिजल्ट्स जो है वो बेटर रिजल्ट्स निकल के आ पाएंगे. ऑल्दो हमने बोला था कि मेंटल मेजरमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा वैलिड हों, ये जरूरी नहीं है, फिजिकल मेजरमेंट के रिजल्ट्स जो है वो वैलिड माने जाते हैं. ठीक है जी, सो अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई हो, फिजिकल मेंटल मेजरमेंट का कंफ्यूजन हो, सो आप वो एक बार वो क्लास भी जाके सुन सकते हैं. हाउएवर असिस्टेंस फ्रॉम अ टीचर इज मस्ट फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग सम ऑफ दीज टेक्निक्स. सो टीचर की असिस्टेंट जो है वो हमेशा जरूरी रहेगी. ये चीज आप हमेशा हर जगह डाल सकते हैं कि काउंसलर की ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट होती है, वो वहां पे जो है तो उनको तरीका पता होता है कि किस तरीके से जो है प्रोफेशनली वो अच्छे से ट्रेंड है उस फील्ड में. बट टीचर जो है वो हमेशा क्या रहता है, बच्चों के पास रहता है, बच्चों का सबसे ज्यादा एक टीचर को पता होगा. सो काउंसलर वो जो है टेस्ट को एडमिनिस्टर करे, दैट्स गुड, बट टीचर की असिस्टेंस होना बहुत जरूरी हो जाता है. ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे प्यूपल इन्वेंटरी सर्विसेज के, इसमें क्या होता है, हमने बोला कि हम बच्चों के बारे में पता कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ लेवल पे हो, चाहे वो अचीवमेंट लेवल पे हो, या किसी भी लेवल पे हो, हम बच्चों को के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं उनके बारे में. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या हो गया, टू आइडेंटिफाई वेरियस एबिलिटीज और एनी डिसेबिलिटी इफ द पर्सन इज है. ठीक है, सो वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, पीपल इन्वेंटरी सर्विसेज की जरूरत होती है. और फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद मेंटेन करने के लिए, जो रिकॉर्ड आपने रखा है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है वो
पीपल इन्वेंटरी सर्विसेज जरूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड हमारी ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इससे क्या होता है, बच्चों के पास फर्दर क्या क्या ऑप्शन हैं, वो क्या क्या सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, यानी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एक तरीके से ये कहीं ना कहीं करियर गाइडेंस की तरफ जो है वो आपका रुख मोड़ देंगे। सो ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि बच्चों को बताया जाता है कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, अगर वो ये कोर्स लेते हैं, अगर वो साइंस लेते हैं तो फर्दर क्या ऑप्शन होंगे, किस किस तरीके का करियर वो परस्यू कर सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चों को एक बेटर इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कई बार हम गूगल से या कई चीजों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हो सकता है वो गलत हो, और गूगल में इन्फॉर्मेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हो सकता है बच्चे कुछ गलत देखें वहां पे। उससे बेटर है कि स्कूल में ही जो है वो ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए। सो दिस हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बी अवेयर ऑफ द ऑप्शन। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जहां भी हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, मेजर चीज क्या है यहाँ पे, अवेयरनेस। चाहे वो अवेयरनेस अब किसी भी चीज से रिलेटेड हो, कि अगर ऑक्यूपेशनल सर्विस है तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अवेयरनेस है, ओरिएंटेशन सर्विसेज की बात हुई है तो वो स्कूल से या जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, आसपास के सराउंडिंग से रिलेटेड अवेयरनेस है। सो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज जो है वो अवेयर करती हैं हमें काफी चीजों में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो पर्टिकुलर कोर्स या सब्जेक्ट के क्या क्या ऑप्शंस उनके लिए ओपन रहेंगे फर्दर, ये उनको बताती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर्विसेज का, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसके बारे में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बहुत अलग अलग वेरियस लेवल्स पे। ठीक है, तो उनको पता होगा कि फर्दर उनके क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं उनसे रिलेटेड, क्या उनको एक एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। This service needs to be more emphasized. कहाँ पे emphasis की जरूरत है, secondary और higher secondary level के ऊपर। तो majorly जब हम 10th pass करते हैं या 11th 12th में जाते हैं, so उस time पे क्या है, जरूरत ज्यादा होती है कि उसके बाद आप school से निकल के, मतलब school का last stage होगी ना 11th 12th, so वहां पे आपको ज्यादा guidance जो है occupational information services के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। So, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हम बच्चों को देते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, ऑक्यूपेशन पोजीशन से हो, ड्यूटीज क्या क्या करेंगे वो फर्दर जाके, एजुकेशनल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, रिवार्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से ऑफर किए जाते हैं, प्रोमोशनल एवेन्यूज क्या होते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, तो वो मेजर पॉइंट यही निकल के आता है कि ऑक्यूपेशनल सर्विसेज में हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर पाए फर्दर। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला तो अवेयरनेस है कि नेसेसरी जो ऑक्यूपेशन या एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो उनके बारे में उनको पता हो, एक ब्रॉड रियलिस्टिक व्यू जो है उनका बने कि फर्दर वो क्या क्या कर सकते हैं, वो अपना जो है फिर वो वहां से उनका जो दिमाग है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट वहां पे हो, कि वो उन्होंने क्या करना है, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो स्टूडेंट्स को इंटरप्रेट करने में कि उनके क्या पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लान्स होंगे फर्दर फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, सो वो यहाँ पे पता चल जाते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो किसमें है ये जानने में ये हेल्प करती है। फिर आता है काउंसलिंग सर्विसेज। काउंसलिंग सर्विसेज वैसे तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, बट मेजरली जब काउंसलिंग वर्ड की बात आती है तो क्या देखने को मिलता है कि जो इमोशनल और मेंटल लेवल पे जो दिक्कतें हैं ना, उनको जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं तब हम काउंसलिंग सर्विसेज की बात करते हैं। तो इमोशनल और मेंटल लेवल पे जब कोई इशू होता है वहां पे हम मेजरली गाइड काउंसलिंग सर्विस की बात करेंगे। सो ये मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसका, गाइडेंस प्रोसेस का। दूसरा, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों से उनकी कि बच्चों को कि वो प्रॉब्लम्स या उनके प्लान्स क्या है वो डिस्कस कर पाए किससे, किसी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से, काउंसलर से। सो वहां पे वो उनकी हेल्प कर पाएंगे बेटर तरीके से। ठीक है, मान लो उनको कोई दिक्कत आ रही है या जो है, क्योंकि टीनेज में आप उस टाइम होते हो 11 12th में, सो वो एक अट्रैक्शन जो है दूसरे सेक्स के प्रति, या फिर वहां पे वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यूज हो जाते हैं, वो कई बार आपकी जो है टीनेजर जो टीनएज जो होती है वहां पे बहुत अफेक्ट करते हैं आपके करियर को और आपकी स्टडीज को। सो वहां पे जो है काउंसलिंग सर्विसेज एक बेटर रोल जो है वो प्ले करती हैं, और ये स्कूल में होनी चाहिए। ऑल्दो आपको ये जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं जहाँ फीस बहुत एक्स्ट्रा होती है, सो वहां पे शायद देखने को मिल जाए, बट कई बार जो नॉर्मल से स्कूल्स होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां इस तरीके की बहुत ज्यादा जो है उनके ऊपर फोकस किया जाए वो नहीं देखने को मिलता।
द प्रोसेस अल्टीमेटली मेक्स अ पर्सन कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्टिंग एंड सेल्फ सफिशियंट. तो जब आप किसी एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं, कई बार जैसे आपको अगर कोई दिक्कत है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सो कई बार तो डॉक्टर को देख के ही आधी समस्या दूर हो जाती है, राइट. सो वही है कि आपको जब एक प्रोफेशनल से एक्सपर्ट से आप मिल लिए, तो आपको सेल्फ डायरेक्ट करने में आप सेल्फ सफिशियंट फील, तो आप एक कैपेबल और बेटर इंसान जो है वो बनते हैं. काउंसलिंग सर्विसेज इंक्लूड इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग. तो काउंसलिंग दो तरीके से हो सकती है, कि अगर पूरी क्लास को बिठा के कोई इश्यू सॉल्व किया जा रहा है तो एक तरीके से वो ग्रुप काउंसलिंग हो गई. अगर पर्सनली किसी बच्चे की कोई दिक्कत है इमोशनल लेवल पे या करियर से रिलेटेड, तो वो क्या है, इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है वहां पे होगी. अब काउंसलिंग सर्विसेज कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली बाय अ काउंसलर. तो ये प्रोफेशनली ट्रेन्ड होंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ एक प्रैक्टिस, किसके द्वारा प्रैक्टिस की जाएगी ये सर्विस, एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड काउंसलर के द्वारा. ऑब्वियसली टीचर की असिस्टेंट, जब स्कूल की बात आ गई तो टीचर की असिस्टेंस हमेशा उसकी जरूरत पड़ेगी, बट इसको कंडक्ट कौन करेगा, एक काउंसलर, एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन जो है वो कंडक्ट करेगा. फिर आता है प्लेसमेंट सर्विसेज. प्लेसमेंट क्या है कि आपने जो है, आप 11th 12th कर रहे हैं अगर स्कूल लेवल की हम बात कर रहे हैं, या अगर आप कॉलेज में कोई डिग्री कर रहे हैं, सो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जॉब के क्या एस्पेक्ट्स हैं, या आपके पास फर्दर स्टडीज आपने करनी है. फर्दर स्टडीज में भी आपको IITs में या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है कि आपको एक जगह पे प्लेस किया जा रहा है, तो वो क्या हो गई, प्लेसमेंट सर्विस. यानी कि आपको 12th से निकल के आपकी प्लेसमेंट कहाँ मिल गई, आपको IIT दिल्ली में मिल गई, ठीक है. सो वो क्या है, आपकी प्लेसमेंट हो गई वहां पे. तो स्कूल ये चीज इंश्योर करेगा बाद में भी कि बच्चा जो है वो कहाँ प्लेस हुआ है, क्या चीजें वहां पे हो रही है, ठीक है. सो प्लेसमेंट सर्विस जो है बच्चे को हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने में. यूजुअली क्योंकि 12th के बाद हमेशा ये किया जाता है कि आप बच्चे को पढ़ाएं, फर्दर स्टडीज के लिए एनकरेज किया जाता है, बट कई बार होता है कि बच्चे जो है वहां पे नहीं कर पाते, वट एवर द रीजन इज फर्दर स्टडीज, किसी का मन नहीं होता या फिर किसी की जो है वो इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी नहीं होती, तो उसके बाद उनको वोकेशनल जो है सर्विसेज या वोकेशनल प्रोग्राम्स में भेजा जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, ठीक है. सो जो स्कूल को लेफ्ट कर चुके हैं या स्कूल में हैं, उन बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए एक तरीके से एक एफर्ट होता है प्लेसमेंट सर्विस का. स्कूल प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज थ्रू विच एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेट, इधर थ्रू स्पेशल प्लेसमेंट पर्सनल और बाय इंटीग्रेशन सर्विसेज ऑफ द अदर गाइडेंस पर्सनल. सो इसमें बच्चों की प्लेसमेंट का ध्यान रखा जाता है, उनके एम्प्लॉयमेंट नीड्स का ध्यान रखा जाता है कि कहाँ जो है फर्दर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सकती है उनको. इट इज एन एक्टिविटी विच रिक्वायर्स कोऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल, काउंसलर, टीचर, करियर मास्टर, स्टेट एम्प्लॉय एजेंसीज. सो बहुत सारी जो प्राइवेट एजेंसीज हैं और कम्युनिटी में जो चीजें हैं, सो वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड एफर्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ टीचर्स से तो नहीं काम चलेगा ना, टीचर्स भी जरूरी हैं, प्रिंसिपल के कॉन्टेक्ट्स भी जरूरी हैं, प्राइवेट एजेंसीज में कहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीजें भी पता होनी जरूरी है, राइट. तो ये इंटीग्रेटेड जो है वो चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी. This service is more significant for the students at secondary and higher secondary level. Again, elementary level पे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती placement service की, हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, secondary और higher secondary level के ऊपर. फिर आता है, this could largely be met by a systematic or proper functioning of guidance committee. तो अगर guidance committee वहाँ पे होगी, so और better तरीके से आपको चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी. अगर वो उनका particular एक focused काम क्या होगा, प्लेसमेंट पे ध्यान रखना या किस किस तरीके की प्लेसमेंट जो है हो सकती है, किसके साथ इंटीग्रेट करना है, तो वो सारी चीजों का ध्यान वो गाइडेंस कमेटी रखेगी. द एक्सटेंट टू विच द प्लेसमेंट सर्विस फुलफिल दिस पर्पस इज अ मेजर ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस. कि आप जो है प्लेसमेंट सर्विसेज तो आपके पास हैं, लेकिन आप कितने बच्चों को एम्प्लॉय कर पा रहे हैं, ठीक है, कितनों को आप एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं, वो एक यहाँ पे इश्यू हो जाता है. तो जितनों को आप दे पाएंगे वो आपकी इफेक्टिवनेस बताएगा. जैसे कई बार होता है ना कई कॉलेजेस में, तो वो क्या दिखाते हैं, 100% जो है प्लेसमेंट, यानी कि उनके वहां जितने भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं सबको कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगी, और उसके चक्कर में बहुत सारे लोग एडमिशन भी लेते हैं, और एंड वी ऑल नो दिस, राइट. सो वो क्या है, एक तरीके से अगर वो 100% प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, कम है. सो वो इफेक्टिवनेस क्या है, उनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी, जो उनकी सर्विसेज आगे वो देंगे.
दिस सर्विस ऑल्सो ओरियंट्स द स्टूडेंट्स टू सम ऑफ द जॉब अप्लाइंग टेक्निक्स. सो ऑब्वियसली प्लेसमेंट सर्विस है, तो ये मेजरली जो जॉब अप्लाइंग टेक्निक्स है कि किस तरीके से आपको फाइंड करना चाहिए, कहाँ पे जाके आपको सर्च करना चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन ये सर्विस देती है. द गाइडेंस वर्कर कुड फैमिलियराइज them with the methods of applying for a job, identifying various sources of the information and how to prepare for the interview. So ये सारी चीजें भी इसमें एक तरीके से सिखाई जा सकती हैं, जहां पे guidance worker क्या करेगा, यानी जो particular expert होगा वो आपको बताएगा उस बारे में कि कैसे आप जॉब पे के लिए सर्च करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, फिर आप इंटरव्यू के लिए कैसे रेडी होंगे. सो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सर्विस में देखने को मिलेगी. अब आपकी प्लेसमेंट हो गई है तो स्कूल या कॉलेज जो है वो फॉलो अप करेंगे, यानी कि आपके बारे में फर्दर जानने की कोशिश करेंगे कि अब आप क्या कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप वहीं पे काम कर रहे हैं जहां पे आपकी प्लेसमेंट हुई थी या आपने चेंज कर लिया, तो आप क्या कर रहे हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनकी जो प्लेसमेंट है वो कितनी इफेक्टिव रही. ठीक है, सो ये बहुत एसेंशियल प्रोग्राम हो जाता है ये जानना कि बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं. जैसे कई बार होता है ना कि कोई अगर अच्छी पोजीशन पे बच्चा पहुंच जाता है, सो उसी के होर्डिंग्स या फोटो आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो स्कूल के एडमिशन के दौरान हो या पब्लिसिटी के दौरान हो. सो उनका कहना होगा कि हमारे स्कूल से निकले हुए बच्चे ही इन पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, या हमारे कॉलेज से निकले हुए बच्चे यहाँ यहाँ जो है वो फर्दर काम कर रहे हैं, यहाँ यहाँ उनकी प्लेसमेंट हुई है. ठीक है, सो वो एक तरीके से फॉलो अप सर्विस जो है वहाँ पे हेल्प करती है. दिस सर्विस डजंट ओनली पर्टेन टू द स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट, बट ये किससे रिलेटेड है, इमोशनल या सोशल एडजस्टमेंट, बाकी चीजों से भी रिलेटेड है. बेसिकली जैसे हम इंस्टा पे फॉलो करते हैं या फिर आप जो है यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं, तो वो क्या है, आप जानने के लिए, हम किसी के बारे में फर्दर जानने के लिए फॉलो करते हैं ना उस इंसान को, कि कोई इंसान हमें अच्छा लगता है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं. राइट, आप उसमें आजकल वैसे तो फॉलो का मतलब होता था कि आप उसके जो वो काम कर रहा है इंसान, आप उस जैसा ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन यूजुअली आजकल जो फॉलो होता जा रहा है वो क्या है कि आप उनसे इस इंसान की जिंदगी में इंटरेस्टेड है और आप जानना चाह रहे हैं वहां हो क्या रहा है. सो वही सेम चीज है कि जो स्कूल या कॉलेज की गाइडेंस कमेटीज है वो भी जानना चाह रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, कि आप अभी फिलहाल क्या काम कर रहे हैं. ठीक है जी, पर्पस क्या रहेगा, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना, जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करना. अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ आपके जो फैसिलिटीज आप स्कूल में प्रोवाइड करते हैं उनकी वजह से कोई इश्यू हो रहा है फर्दर भी स्टूडेंट्स को, सो वो चीज आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल में जो है वो इंग्लिश जो है वो बेटर तरीके से मतलब बोल नहीं पाते बच्चे, या ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, और फर्दर जो है जॉब में जाके बहुत जरूरत हो जाती उसकी कम्युनिकेशन के लिए. सो ये चीज यहाँ आपको फॉलोअप से पता चल सकती है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो अगर आपको बता रहे हैं कि स्कूल में अगर ये चीज और होती तो हम और बेटर परफॉर्म कर पाते लाइफ में. सो वो वहां से फीडबैक लेके आप अपने स्कूल को बेटर जो है वो वहां पे कर रहे हैं, कुछ रेलेवेंट चेंजेस जो है वो आप स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम में वहां से ला सकते हैं. मेजर ये पर्पस होता है. थ्री स्टेप्स आपको यूजुअली देखने को मिलेंगे जब आप फॉलो अप प्रोग्राम की बात करेंगे. सबसे पहले आप एल्यूमिनाई से डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे उस डाटा को, और प्रेजेंट जो प्रेजेंटेशन होगी डाटा की, और जितने भी कंसर्न पर्सोनल्स हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी है, सो वहां पे आपको ये चीजें आप प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे इंटरप्रेट करने के बाद, और फिर आप एक मॉडिफाइड फ्रेमवर्क भी सजेस्ट करेंगे कि अब क्या बेटर चीजें आपको जो है मतलब जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेंगे उनको आपके स्कूल में देखने को मिल सकती है. ठीक है जी, सो ये हमने गाइडेंस सर्विसेज जो हैं वो हमने पढ़ी 6 की 6. अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा. अगर मुझे लगा कि कुछ डेडिकेटेड वीडियो इनमें से किसी टॉपिक पे बननी चाहिए तो वो भी आपको जो है क्लास देखने को मिल जाएगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.